नमस्कार, रंग तरंग के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। रंग तरंग एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं देश भर में चल रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताजा गतिविधियों से। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आज हम क्या क्या लेकर आए हैं खास आपके लिए। देश भर के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चैत्र नवरात्र के नौवें दिन रामनवमी पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाती है। दिल्ली में भी रामनवमी की धूम देखने को मिली। इस मौके पर साहित्य कला परिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। देश के कई हिस्सों में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चैत्र नवरात्र के नौवें दिन रामनवमी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन पूजा पाठ दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान भी किया। नई दिल्ली में भी रामनवमी की धूम देखने को मिली। हिंदी भवन में साहित्य कला परिषद के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत रामायण के पाठ के साथ हुई, जिसमें छोटे बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। गणेश वंदना रंगारंग अंदाज में प्रस्तुत की गई, जिसका दर्शकों ने खूब आनंद लिया। शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग। पर्वों का पर्व बैसाखी देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पर्व को लोग फसलों की कटाई और नए साल के आगमन के तौर पर मनाते हैं। इस दिन लोग पूजा अर्चना करते हैं और नाच गाकर खुशी प्रकट करते हैं। बैसाखी का पर्व नववर्ष के आगमन और स्वागत का पर्व, जिसमें खुशहाली, हरियाली और अपने देश की समृद्धि की कामना की जाती है। नया साल किसान की मेहनत का प्रतीक है, तभी तो किसानों के चेहरे की रौनक और ऊर्जा देखते ही बनती है। देश भर में हर्षोल्लास के साथ बैसाखी मनाई गई। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया गया। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इस दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी बैसाखी की रौनक खूब नजर आई। वहीं बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तनों का आयोजन किया गया। बैसाखी के दिन ही 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के जलियांवाला बाग में रॉलट एक्ट के ही विरोध में एक आम सभा का आयोजन किया गया था। उस वक्त सभा से नाराज ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरते हुए गोलियां चलाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। बड़े शहरों में भी बैसाखी के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख, असम में बिहू और दक्षिण में तमिलनाडु के नए साल के रूप में बैसाखी मनाई गई। असम में लोगों ने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना और विभिन्न व्यंजनों के साथ त्योहार मनाया, तो वहीं उड़ीसा में भी बैसाखी पर नव वर्ष का स्वागत किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में अर्धकुंभ का 8वां स्नान यानी बैसाखी स्नान पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी दिखी। हालांकि बदलते वक्त के साथ त्योहारों के मनाने के रूप बेशक बदल गए हों, मगर इनके प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था में कोई कमी नहीं आई है। ज्योति का ग्रोवर, रंग तरंग। नई दिल्ली में श्री राम भारतीय कला केंद्र की ओर से मलेशिया के प्रसिद्ध डांसर रामली इब्राहिम ने जब गंजम नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। पारंपरिक ओडिसी नृत्य प्रस्तुति में समकालीन नृत्य शैली की झलक, इस तरह की नवीनता विरले ही देखने को मिलती है। Thank you.
पर जब मंच पर हो मशहूर मलेशियाई नर्तक रामली इब्राहिम तो कुछ भी मुमकिन है। जिनका ओडिसी के प्रति प्रेम ने भारत और मलेशिया को एक सूत्र में बांध दिया है, वे अपने देश के साथ साथ आज दुनिया भर में भारतीय नृत्य शैलियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस कड़ी में यादगार रही राजधानी दिल्ली में ये प्रस्तुति गंजम। कुआलालंपुर में रहते हुए भी रामली भारत में 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से प्रस्तुतियां दे रहे हैं। 2011 में भारतीय राष्ट्रपति ने रामली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा था। What Ganjam means to you? You performed here. Yes. Ganjam is a very interesting district in South Odisha. This is a place where the culture is very rich, rich with folk, music, literature. And I have been also going to this part of Odisha. And it has given a lot of wonderful materials for Odissi. So I had commissioned Ganjam, the Odissi production, to Guru Gajendra Kumar Panda, who comes from there, to conceive of a work that can infuse new ideas, new vocabulary to Sutras Odissi in Malaysia. So this has been a project of about 1.5 years. We've worked on it and we've conceived of a work that can inject new life to Odissi. You have been dancing since you were 3 years old, you know? Yes. So what draws you towards Indian classical dances? Well, I think India is one of the great source of culture for the world. It is one of the great civilizations, and especially with Southeast Asia, you know, a lot of things refer back again to India, and there's no denying about this. And especially Orissa, which is known as Kalinga. Kalinga has a very strong influence in Southeast Asia and also in Malaysia. Tell us about the journey. Well, such a long journey. You've been here, you've been performing in India for so long. Seeing people really love you so much. You've been clinging for us here. So tell us about you and journey with dance and performing in India. Well, I think it is a journey. It is a journey of passion, truly. And it's a journey of interactive with people. And it is, for me, a great gift, a great privilege. Village that I have so many friends, so many artistic people who are engaged. And this is one thing I love about India is people are engaged, and especially the artists. They excite me. They give me the kind of stimulation to face the day, the month, the year with such joy and celebration. Every single time we perform anywhere in India, it gives us a very special feeling because we're bringing India's culture back to India from Malaysia. And the audience here, the energy we get from them is just amazing. It's simply amazing. गंजा में एक प्रसिद्ध नाटक है, प्रह्लाद नाटक। वो गंजा ओडिसी में बहुत सारा तो मंगलाचरण है, सरस्वती देवी विभिन्न देवा देवी के ऊपर, मगर लक्ष्मी नृसिंह ऊपर नहीं होता है। पहला बार प्रह्लाद नाटक का जो टेक्सचर है, वो नाटक का जो रियल जो टेक्सचर है उसको डाल के मैंने प्रह्लाद नाटक लक्ष्मी नृसिंह ध्यान का ऊपर एक मंगलाचरण बनाया जो शुरू हुआ है रुक शाम वेद से शुरू हो रहा है। खचाखच भरे हॉल में गंजम की प्रस्तुति में सबने रामली के नए प्रयोगों को सराहा। हम तो लोग जानते हैं उस बाउंड्री को ब्रेक करके कॉस्ट्यूम्स में हो, कोरियोग्राफी में एक ऐसा लीप आगे किया है कि पीछे मुड़कर देखना बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी ओडिसी डांसर को। मेरे ख्याल से पिछले 9-10 साल में जितने भी रामली के परफॉर्मेंसेज हैं सब देखे भी हैं, फ़ोटो भी किए हैं, एंड आई एम सच अ ग्रेट एडमायर ऑफ हिज।
इन्हें देख के बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जिस कदर इन्होंने हमारे नृत्य को अपना बना लिया है, इनके डांसर्स को और इन्हें देख कर ये नहीं एहसास होता कि अच्छा कोई फिरंगी हमारा नृत्य कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारी सभ्यता हमारी परंपरा को सजीव बनाकर कोई प्रस्तुत कर रहा है। मथुरा ही नहीं मलेशिया में भी रामली करते हैं रासलीला, क्योंकि रामली इब्राहिम उड़ीसी के साथ साथ बैले और भरतनाट्यम में भी पारंगत हैं। कोरियोग्राफी रामली की पहली और आखिरी पसंद है और इसीलिए वो इसमें कई संभावनाएं तलाशते रहते हैं, जिसका एक उदाहरण इस प्रस्तुति में दर्शकों ने देखा। जया सिन्हा, रंग तरंग। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, लेकिन जरा सोचिए अगर ताजमहल आगरा के बजाय बेंगलुरु में हो तो कैसा हो? चौंकिए नहीं, अब बेंगलुरु वासी बिना किसी मशक्कत के ताजमहल का दीदार कर सकेंगे, और वो भी अपने शहर से बाहर निकले बिना। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल अब बेंगलुरु में भी है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। वैसे कहानी का अगला पहलू ये है कि कुछ कलाकारों ने आगरा के ताजमहल की एक प्रतिकृति को बेंगलुरु में भी बनाया है, जिसे एक प्रदर्शनी में दिखाया गया है। ताजमहल की इस प्रतिकृति को लकड़ी, फाइबर, प्लाई, सिल्वर वुड और प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे सामानों से बनाया गया है और सजाया गया है। इस ताजमहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका रास्ता भी आगरा में बने ताजमहल की तरह ही झरने के आसपास के रास्ते जैसा बनाया गया है। इस प्रतिकृति की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और फिर से वहां इसे जस का तस बनाया जा सकता है। तो आप भी तैयार हो जाइए इस दूसरे ताजमहल के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए। पद्मश्री पंडित वेंकटेश कुमार एक ऐसा नाम है जिसे गायन की दुनिया में ख्याति हासिल है, और बात शास्त्रीय संगीत की हो तब तो उनका नाम आना स्वाभाविक ही है। इस साल उन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इस मौके पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जब बात होती है तो पंडित वेंकटेश कुमार का नाम आना स्वाभाविक है। पंडित वेंकटेश कुमार भारतीय संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। वो हिंदुस्तानी संगीत की एक महान शख्सियत है। इस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए पंडित वेंकटेश कुमार जब संगीत की धुनों पर अपनी तान छेड़ते हैं और श्रोता झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, वो कोई कलाकार को साधना करते हो कलाकार, उनको मान सम्मान मिलता है, उसी समय सब कलाकार के अच्छे लगता है। मैं होता छोटा गांव वाला लड़का हूँ, मैं उसी छोटा गांव से आया थे मैं गायन सीखने के लिए। इस साल तक हमको उचित विद्या गुरुजी का दिया है, उनका आशीर्वाद से
40 साल मैं गुरुजी के पास विद्या लिया हूँ सेवा करके, उनका आशीर्वाद से आज मुझे ये पद्मश्री मिला है। आज से 10 साल पीछे जाए देखे तो थोड़ा कम था उसका शास्त्रीय संगीत का, अभी बहुत ज़्यादा हो गया सभी जगह पे, सब जगह नौजवान भी काफ़ी जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं सीखने के लिए आ रहे, ये अच्छी बात है। कब तक कम परफॉर्मिंग करते तब तक कम प्रैक्टिस करना चाहिए। नई दिल्ली के एलटीजी लिटिल थिएटर ग्रुप ऑडिटोरियम में जब पंडित वेंकटेश कुमार ने अपनी तान छेड़ी तो मानो सारा समा ही संगीतमय हो गया हो। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और कर्नाटक सरकार के तत्वाधान में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में भारतीय संगीत से सजी इस खूबसूरत शाम का दर्शकों ने जमकर आनंद लिया। शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरक। देहरादून के स्कूली बच्चों ने कंचन रंग नाम से एक नाटक प्रस्तुत किया जिसके जरिए इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर सवाल खड़े किए तो इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई। मौजूदा समय में धन की लालसा के कारण तार तार हो रहे आपसी पारिवारिक रिश्तों के परिणामों पर सोचने पर दर्शकों को विवश कर दिया देहरादून से आए इन छात्रों ने। इंदिरा गांधी कला केंद्र में मंचित सामाजिक नाटक कंचन रंग के जरिए कंचन रंग यानी सोने का रंग, और इस नाटक में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया कि धन संपत्ति को हासिल करने के लिए घर के मालिक यदु गोपाल और उनकी पत्नी और उनके तीन बच्चों की लालसा यहाँ तक बढ़ जाती है कि उनको उसके आगे कुछ और नहीं दिखता और उसको हासिल करने के लिए वो अपने करीबियों पर जुल्म ढाने लगते हैं। We have been presenting this play at different places which are Bodh Gaya, Bareilly, Lucknow, Patna and here now we are in Delhi. नाटक के मुख्य पात्र पांचों के किरदार से लेकर सभी नन्हे कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को खासा प्रभावित किया। आप बेटे के सामने ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप जानते नहीं मैं ज्यादातर भड़कता हूँ। कैसे रुपयों की लालच में लोग आज अपनों के ही विश्वास का खून कर रहे हैं, इसी को बड़ी ही सहजता से इन बच्चों ने पेश किया मंच पर। बता दीजिए ना कोई अच्छी सी नौकरी या कोई व्यापार जिसे करो, कहना बड़ा आसान है, कहने पर तो टैक्स नहीं लगता ना। अब मैं आपसे कभी हाथ कर नहीं मारूंगा। ये लीजिए, इसी महीने के है ना? हाँ हाँ, पूरे के पूरे इसी महीने के है। नाटक की विधा आम जनमानस को सीधे सीधे जोड़ती है और सामाजिक बुराइयों के निदान का भी हल देती है तथा इसका प्रभाव भी बेहद सार्थक रहता है। और इन बच्चों ने ये भी साबित कर दिया कि युवा पीढ़ी आज भी भारतीय संस्कार एवं देश की सांस्कृतिक कलाओं में विश्वास रखती है। पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपए में पूरा काम निपट जाता था।
आपने हिरन पार्क, मगरमच्छ पार्क और चिल्ड्रन पार्क जैसे कई पार्कों के नाम सुने होंगे और शायद उन्हें देखा भी होगा। पर आज हम आपको लिए चलते हैं कर्नाटक के हम्पी विश्वविद्यालय में, जहां पर एक अनोखा पार्क बनाया गया है। इस पूरे पार्क को केवल मूर्तियों से सजाया गया है। हाल ही के दिनों में ऐतिहासिक कन्नड़ विश्वविद्यालय का शिल्पा वन कर्नाटक के लोकप्रिय पर्यटक स्थानों में से एक बन गया है, जहां साधारण सी चट्टानों को भी वहां के छात्रों ने नए आकारों में उकेरा है और बगीचे की खूबसूरती में चार चांद लगाए हैं। बगीचे के कई हिस्से जो अब तक अनछुए थे, उन्हें विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के छात्रों ने बिल्कुल नई आकृति में ढालकर दुनिया के सामने एक खूबसूरत नमूना पेश किया है, जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशी टूरिस्टों से भी वाहवाही मिल रही है। इस पार्क में कई प्रकार की मूर्तियों को बनाया गया है, जिसमें मनुष्य, जानवर और चिड़ियों के कई रूपों को दर्शाया गया है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे पत्थरों को बिना अपनी जगह से हिलाए हुए इनकी कलाकृतियों की खूबसूरती को उकेरा गया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों का मानना है कि इस बगीचे में आना और प्राकृतिक पत्थरों पर बनी कलाकृतियों को निहारना बहुत ही सम्मोहक एहसास है। हम्पी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मल्लिका घंटे ने कहा कि इस बगीचे में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, इसके लिए वे लोग लगातार काम कर रहे हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के ललित कला एकेडमी में, जहां पर स्पंदन शीर्षक से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कला के विविध रूपों के जरिए विचारों का स्पंदन प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। कला के विविध रूप, और हर रूप में कला जरिया होती है कलाकार के विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत करने का। कलाकार बड़ी ही खूबसूरती से बिना कुछ कहे अपनी बातों को, अपने मस्तिष्क में कौंधते विचारों को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। दिल्ली के ललित कला एकेडमी में स्पंदन शीर्षक से फोटोग्राफी, स्कल्पचर और पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 5 छात्रों के एक ग्रुप ने अपने अपने द्वारा बनाई गई कला को प्रदर्शित किया। मैंने देखा कि सब जगह जैसे ट्रेडिशन है वो एक तरह से ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन अभी बनारस में लोगों ने अपने तरीके से ट्रेडिशन को कर रखा है, तो मैंने बस वही कैप्चर किया। जैसे वो बनारस में सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के, ये सुबह का सीन है, सुबह उठ के पहले वो पूजा में जाते हैं, गंगा जी की आरती करते हैं, फिर अपना कोई आगे काम बढ़ाते हैं। इसमें एक और जहां लुप्त होते पक्षियों को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई, तो वहीं विचारों के जरिए बच्चों की सोच और भारत की विंटेज धरोहर से हमारा जुड़ाव दिखाया गया है। मैंने बस यही दिखाने की कोशिश किया है कि प्लीज प्लीज आप लोग जो भी अब कर रहे हो इनका ध्यान रखते हुए करो, ताकि इन्हें, जैसे हमें इनसे डिस्टर्बेंस नहीं होती, इन्हें भी हमसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बनारस के चित्रों में वहाँ का धर्म, रहन सहन, ट्राइबल कला, रीति रिवाज और आशा का सजीव चित्रण किया गया है। चेस प्लेयर बनाया है, ये जो मेरा स्कल्पचर है, चेस प्लेयर मैंने जैसे कि स्क्रैप मेटल्स और यूजलेस जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को यूज किया है, और आप देख रहे हैं कि ये स्कल्पचर चेस प्लेयर बनाया है। और इसमें मैंने ह्यूमन और मशीन को लेके कॉन्सेप्ट उठाया है, जैसे कि मशीनें तो वैसे सुविधा देती हैं लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर हावी भी हो रही हैं। टूटे फूटे घरेलू सामान के जरिए स्कल्पचर बनाकर मनुष्य से मशीन का संबंध दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही संदेश ये भी दिया गया है कि किस तरह से मशीन इंसान पर हावी होती जा रही है। मैंने अपनी इसके थ्रू ये दिखाना चाहिए, जो चीज़ हम डेली लाइफ में देखते हैं उस चीज़ को मैंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में और प्रैक्टिकल वे में रिप्रेजेंट किया। खजुराहो के मंदिर का ट्रेडिशन और आर्ट वर्क को कलाकृतियों के जरिए इस प्रदर्शनी में बड़ी ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग। बॉलीवुड की मशहूर गायिका सुप्रिया जोशी की आवाज का जादू राजधानी दिल्ली में ऐसा चला कि दर्शक झूमने पर मजबूर हो उठे। मौका था प्रजना फाउंडेशन द्वारा सूफी संगीत के आयोजन का। प्यारे, 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 प्यारे,
बॉलीवुड की मशहूर गायिका सुप्रिया जोशी की आवाज का जादू देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा चला कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। मौका था प्रजना फाउंडेशन द्वारा सूफी संगीत के कार्यक्रम का आयोजन। सूफियाना शीर्षक तले आयोजित इस कार्यक्रम में परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाता सूफी संगीत का ये कार्यक्रम के पीछे जहां फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा करना था, वहीं भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ाना भी था। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा भड़काऊ संगीत को रोकने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना भी इसका अहम हिस्सा था। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने भी इन्हीं विचारों पर अपनी सहमति जताई। भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा संगीत अपने आप में संपूर्ण है, जरूरत है इसकी सही समझ और इसे युवा पीढ़ी तक पहुँचाने की। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी को हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें लिखिएगा जरूर। हमारा ईमेल आईडी है rangtarangddnews@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम चैनल कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।